गुड इवनिंग फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अपॉन बीएससी पार्ट वन का जो एक मतलब पेपर है, बीएससी पार्ट वन में एक पेपर है, उसी पे अपन चर्चा करेंगे। बीएससी पार्ट वन यानी फर्स्ट ईयर बॉटनी विषय का जो है एक पेपर है, पेपर थर्ड, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इसी के हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन फाइबर्स, इस टॉपिक पर जो है डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कराऊंगा। क्रोमैटिन फाइबर से संबंधित जो जानकारी है या क्रोमैटिन नेटवर्क से संबंधित जो जानकारी है, मैं आप लोगों के समक्ष इसको उपलब्ध कराऊंगा। तो हम अगर बात करते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क की, तो जो है ये जो क्रोमैटिन के धागे हैं ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, मतलब इसको अगर हम अंग्रेजी में कहें तो न्यूक्लियो प्लाज्म कंटेन्स मैनी रेड लाइक क्वाइल्ड एंड coiled and elongated structures which known as क्रोमैटिन फाइबर, अर्थात न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियो प्लाज्म में कई धागे नुमा क्वाइल्ड और इलोंगेटेड संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। यही क्रोमैटिन फाइबर्स, यही क्रोमैटिन फाइबर्स अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये जो है डायग्राम देखें तो इस तरीके का एक डायग्राम है, ये केंद्रक का डायग्राम है न्यूक्लियस का, और इसको समझ ले तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है हम लोग समझ सकते हैं, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसमें जो है ये जो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है,
ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे, तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये बीच में है जो इंट्रा न्यूक्लियर स्पेस, इसको अगर हम कहें तो ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर पोर है, और ये क्रोमेटिन के फाइबर्स हैं। ये जो दाने सी संरचना है इनको हम राइबोसोम कहते हैं, देख रहा ना, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जिसमें क्रोमेटिन भी है। अब जो क्रोमेटिन है ये क्या करता है कि ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, मतलब इन द माइटोसिस और मियोसिस के दौरान, ये जो क्रोमेटिन के फाइबर्स हैं ये थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और एक क्षण के आकार को ग्रहण करते हैं, तो इस उस आकार को हम जो है क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन During the cell division, during the cell division, these chromatin become chromatins become thick एंड रॉड लाइक, ठीक है, कैसे हो जाते हैं, थिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक संरचना बना लेते हैं, नोन एज क्रोमोसोम। इसको क्या कहने लगते हैं फिर, क्रोमोसोम, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के दौरान यही क्रोमेटिन मोटे हो जाते हैं और छड़के आकार के हो जाते हैं, इनको हम क्या कहने लगते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम कहने लगते हैं। और ये क्रोमेटिन जो है नेचर में ट्विस्टेड होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्रोमेटिन्स आर टू टाइप्स, क्रोमेटिन्स आर ट्विस्टेड इन नेचर एंड दीज आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब हम उसको मिटा रहे हैं, टू टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वन इज और सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज हेटरोक्रोमेटिन एंड सेकंड वन इज यूक्रोमेटिन, हेटरोक्रोमेटिन एंड सेकंड वन इज यूक्रोमेटिन, हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। What are the heterochromatins? Heterochromatins are the condensed. अब अपन बात कर लेते हैं heterochromatin की। Heterochromatin क्या है? These are condensed fiber. Condensed क्रोमेटिन,
कंडेंस्ड क्रोमेटिन, ठीक है, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग इंटरफेस, ड्यूरिंग द इंटरफेस मतलब इंटरफेस के दौरान ये कैसे हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें हेटरोक्रोमेटिन की, यूक्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन विच नॉट कंडेंस्ड, दे आर नॉट कंडेंस्ड, ठीक है, और इनको हम जो है यूक्रोमेटिन को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं द नॉन कंडेंस्ड वन आर कॉल्ड यूक्रोमोसोम्स, यूक्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अब मतलब ये नॉन कंडेंस्ड होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन कंडेंस्ड, और ये कैसे होते हैं हेटरोक्रोमेटिन, वो कंडेंस्ड होते हैं। अब हम इनके डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन दी यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन, तो इसको अपन थोड़ा डीपली जान लेते हैं कि इनके बीच में जो मतलब यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जानने के लिए जो है हम एक तरफ जो है हेटरोक्रोमेटिन लिख देंगे, हेटरोक्रोमेटिन, और दूसरे तरफ जो है हम लोग लिख देंगे यूक्रोमेटिन, हेटरोक्रोमेटिन और दूसरी तरफ लिख देंगे यूक्रोमेटिन। अब इनके बीच में जो अंतर है उसको देख लेते हैं। तो हेटरोक्रोमेटिन क्या है, दे आर द कंडेंस्ड एंड स्टेन डीपली, ये जो है स्टेन्ड डीपली, इनमें जो मतलब स्टेनिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है क्योंकि ये घने होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये स्टेन लेस डीप, मतलब इनमें जो स्टेनिंग होती है वो कम होती है, मतलब इन पर जो रंग चढ़ता है वो कम चढ़ता है, ठीक है। दूसरा अगर हम हेटरोक्रोमेटिन की बात करें तो इसमें स्मॉल अमाउंट जो है कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए। हेटरोक्रोमेटिन में क्या होता है, कंटेन फोन आ रहा किसी का, हेटरोक्रोमेटिन में कंटेन स्मॉल अमाउंट डीएनए एंड लार्ज अमाउंट आरएनए। इसमें डीएनए जो है कम मात्रा में पाया जाता है, आरएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है उसकी मात्रा लार्ज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए डीएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कंडेंस्ड होते हैं, ये नॉन कंडेंस्ड होते हैं, ये ज्यादा संघनित होते हैं, ये कम संघनित होते हैं। चौथा अगर हम बात करें तो जो मतलब हेटरोक्रोमेटिन है ये कम एक्टिव पार्ट होता है, यूक्रोमेटिन ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है, ये लेस एक्टिव, और ये मोर एक्टिव, ये अधिक एक्टिव होता है,
ये कम रिएक्टिव होता है। ये देखो पांचवा, ये हेटरोक्रोमेटिन टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, जबकि यू क्रोमेटिन जो है ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये तापमान से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, ये होता है। अगला अगर हम बात करें, ये इनर्ट जेनेटिकली, और ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, ये नहीं होता है, ये इनर्ट होता है। जेनेटिकली इनर्ट होता है या इनएक्टिव होता है, ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें कुछ जीन्स पाए जाते हैं, इसमें ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है मतलब इसके ये थोड़ा थोड़ा है, सातवां पॉइंट और लिखवा देते हैं, आठवां। उसके बाद इसको फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में इसके आगे का बता देंगे। ये इट कंटेन्स फ्यूजन्स, इट हैज मोर जीन्स, ठीक है। ये सातवां पॉइंट हो गया। आठवां पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप के नजदीक पाया जाता है। इट फाउंड नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि ये जो है ये न्यूक्लियोलस के नजदीक है। इट फाउंड इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो डिफरेंस हो गया किसका, हेटरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जो है इन दोनों के बीच में अंतर था, उसके इसकी जो खोज थी एमएल हिट्स ने दोनों की खोज की थी, जो क्रोमेटिन थे इन दोनों की खोज एमएल हिट्स, HETZ, एमएल हिट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन, केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की केमिकल कंपोजिशन इसकी बात करते हैं। तो लगभग डीएनए जो है 31%, आरएनए 2 से 5%, हिस्टोन 36% और नॉन हिस्टोन प्रोटीन 28%। डीएनए लगभग 31%, आरएनए लगभग 2 से 5%, स्टोन प्रोटीन 36% और नॉन स्टोन प्रोटीन 28%, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये 20
सॉरी 28% इसमें पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के पेपर थर्ड और जूलॉजी के जो है मतलब बीएससी जूलॉजी में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन बनाइए ताकि आने वाले आगे के सारे वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड हो सकें। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।